चैप्टर सेवन आगे अपन पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेवन तत्वों का वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले परमाणु, को सबसे पहले महर्षि कर्णाक ने बताया था, के बारे में बताया, कर्णाक ने बताया परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, अर्थात ऐसे सूक्ष्म कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सके परमाणु कहलाते हैं। उसके बाद परमाणु की व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या जॉन डॉल्टन ने की। जॉन डॉल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है और उसने द्रव अनुपाती नियम और स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। परमाणु सिद्धांत को उसने मुख्य बिंदु में बताया। इसके पहला बिंदु था परमाणु अविभाज्य कण होता है, अर्थात वो उसे आगे विभाजित नहीं किया जाता। वह सूक्ष्म छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जाता परमाणु कहलाता है। परमाणु को अविभाज्य कण कहा। उसने बताया कि प्रत्येक तत्व के परमाणु हैं, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं और अलग अलग तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। फिर उसने कहा कि जब दो अलग अलग तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात और निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। ये इसकी अवधारणा थी। उसके बाद फिर परमाणु परिकल्पनाएं, परमाणु के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में बताया गया। जैसे जैसे विकास होता गया, खोज होती हुई, तो परमाणु की मॉडर्न थ्योरी के अनुसार परमाणु जो है वो विभाजित हो गया। परमाणु में तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। पहले परमाणु के अंदर तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। मौलिक कण होते हैं, कण पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, प्रोटॉन ये धनावेशित कण होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये ऋणावेशित कण होते हैं। इसके अतिरिक्त आज वर्तमान में परमाणु को इनके अलावा भी और भागों में विभाजित कर दिए गए। तो परमाणु के तीन मौलिक कण हैं सामान्यतः, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है ये नाभिक में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन निरावेशित उदासीन कण है और इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणावेशित कण है। अब अपन परमाणु की अवधारणा पर आ जाते हैं। परमाणु अवधारणा, में आपको सबसे पहले अवधारणा में जो है जे जे थॉमसन
दूसरी रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग का स्वर्ण पत्र प्रयोग पत्र प्रयोग और तीसरी मिल्स बोर ये तीन परिकल्पना हैं जिनके आधार पर परमाणु की व्याख्या की जाती है, जिसमें जे जे थॉम्सन ने परमाणु की उदासीन प्रकृति के बारे में बताया था। जे जे थॉम्सन ने परमाणु की उदासीन प्रकृति के बारे में बताया। रदरफोर्ड ने परमाणु में प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज की। निल्स बोर ने इसने परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताया। तो तीनों अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु के अलग अलग प्रकार से उसको समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले जे जे थॉम्सन, जे जे थॉम्सन ने बताया, जे जे थॉम्सन का परमाणु प्रतिरूप, ये प्रतिरूप हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, छठी से लेके ग्यारहवीं तक हम इसको पढ़ते हैं। तो इस परमाणु प्रतिरूप पे मूल आधार क्या है? देखिए, ये जो जे जे थॉम्सन का परमाणु प्रतिरूप है, ये परमाणु की उदासीन प्रकृति के बारे में बताया जाता है। उदासीन प्रकृति के बारे में बताया इसमें, इसने बताया कि जो परमाणु है, ये परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें निरावेशित कण जो है समान रूप से पाए जाते हैं। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित कण समान रूप से पाए जाते हैं। परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है। इसने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेश समान रूप से वितरित रहते हैं। परमाणु में ऋणावेश और धनावेश की मात्रा बराबर होती है, समान होती है, इक्वल होती है, जिसके कारण ये परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है। इसको समझाने के लिए उसने कई उदाहरण दिए। जैसे उसने कहा, जिस प्रकार बूंदी के लड्डू में तरबूज के बीज उपस्थित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की स्थिति होती है। अर्थात बूंदी के जो लड्डू हैं, बूंदी है वो धनावेश है और तरबूज के बीज की संज्ञा की तुलना किससे की? ऋणावेश से। फिर उसने इसको पाश्चात्य सभ्यता के रूप में बताया कि जिस प्रकार प्लम नामक पुडिंग एक मिठाई होती है, जिस प्रकार पुडिंग नामक मिठाई में प्लम नामक फल लगा होता है, हमारे अगर देखा जाए तो ये अपने यहाँ पर सॉफ्टी के ऊपर गुलकंद लगा होता है। सॉफ्टी सबने कहिए कि पर जिस प्रकार गुलकंद लगा होता है, चेरी लगी होती है, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की धनावेश और ऋणावेश की स्थिति बताई उसने। तो इसके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बताया कि पुडिंग नामक मिठाई पर प्लम नामक फल लगा होता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति होती है। ये जो है, अब ये जो जे जे थॉम्सन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया, परमाणु में नाभिक के बारे में नहीं बता पाया, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। जे जे थॉम्सन, इसने परमाणु की उदासीन प्रकृति के बारे में बताया। इसने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेश समान रूप से वितरित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं।
परमाणु में दोनों की मात्रा बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है। उसके बाद इसने इसकी तुलना बूंदी के लड्डू से भी की है। इसने बताया कि जिस प्रकार बूंदी के लड्डू में तरबूज के बीज पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की स्थिति होती है। इसको समझाने के लिए इसने दूसरा उदाहरण भी दिया। इसने बताया कि पाश्चात्य देशों में पुडिंग नामक मिठाई पर प्लम नामक फल लगा होता है, तो उसी प्रकार परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की स्थिति होती है। अब अपने पास दूसरी परिकल्पना है रदरफोर्ड की। तो हमने इसकी कमियां भी देखी। दूसरा है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग व रदरफोर्ड की परमाणु परिकल्पना। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग और रदरफोर्ड की परमाणु परिकल्पना। रदरफोर्ड के बारे में बता दें, रदरफोर्ड जो है, जब ये मैडम क्यूरी के साथ प्रयोग कर रहा था, तो उसने रदरफोर्ड और इसके चार शिष्य जो है ने ये प्रयोग किया। इसने अपने प्रयोग में एक शीशे का बॉक्स लिया। इस शीशे के बॉक्स के अंदर इसने अल्फा कण स्रोत को रखा। शीशा जो है ये अल्फा कण से निकलने वाली किरणों को अवशोषित कर लेता है। शीशा अल्फा कण से निकलने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसने क्या करा, अपने प्रयोग में एक शीशे का बॉक्स लिया। इस बॉक्स शीशे का बॉक्स ही क्यों लिया, क्योंकि शीशा जो अल्फा कण से निकलने वाली किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे निकलने वाली किरणों को एक बारीक सूक्ष्म छिद्र से गुजारा और इसकी पूंज के रूप में बोचा सोने की पतली झिर्री से की, जिसका व्यास 10^-4 mm था। इस पे की और इससे निकलने वाली किरणों को जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फाइड से जब भी कोई अल्फा कण स्रोत टकराता है तो वो चमक पैदा करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। तो इसने क्या करा, एक अल्फा कण स्रोत को जिंक शीशे के बॉक्स में रख दिया और इससे निकलने वाली किरणों को पुंज के रूप में उसकी बोछा सोने की पतली झिरी पकी और इससे प्राप्त किरणों को जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्राप्त किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इसने शीशे का बॉक्स क्यों लिया, क्योंकि शीशा क्या करता है,
अल्पा कर्ण से निकलने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी कि इसने जो जिंक सल्फाइड का पर्दा ही क्यों लिया, क्योंकि जब भी अल्पा कर्ण स्रोत, ये अल्पा कर्ण रेडियोएक्टिव है, जो भी अल्पा कर्ण स्रोत जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराएगी तो ये क्या करेगा, चमक पैदा करेगा। इसके लिए प्रयोग के आधार पर इसने जो प्रेषण देखा, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, इसने अपने प्रयोग में एक शीशे का बॉक्स लिया, इस शीशे के बॉक्स में अल्फा कर्ण स्रोत को रखा और उससे निकलने वाली किरणों को पुंज के रूप में उसकी बोचा जो है सोने की पतली झिल्ली पर की। और इससे निकलने वाली किरणों को जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्राप्त किया। जिंक सल्फाइड का पर्दा सोने की पतली झिल्ली, फिर इसने अपने प्रेक्षण में क्या देखा, प्रेक्षण में देखा कि जिंक सल्फाइड का पर्दा है, परमाणु है, ये लगभग 20,000 अल्फा कण है किरण। इसने अपने प्रेक्षण में देखा कि अधिकांश अल्फा कण, फर्स्ट पॉइंट, अधिकांश अल्फा किरण परमाणु को भेदती हुई सीधी निकल जाती है और जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराकर चमक पैदा करती है। इसने अपने प्रयोग में पाया कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु को भेदती हुई पार करती हुई सीधी निकल जाती है और जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराकर चमक पैदा करती है। कुछ अल्फा कण परमाणु के केंद्र के पास वाले क्षेत्र से टकराती हैं और 120 और 180 के कोण पर विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या पाया इसने कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु को भेदती हुई सीधी निकल जाती हैं और जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराकर चमक पैदा करती हैं। फिर इसने क्या देखा, इसने देखा कि कुछ अल्फा कण जो परमाणु के केंद्रीय भाग के पास वाले क्षेत्र से, परमाणु के केंद्रीय भाग के पास वाले क्षेत्र से टकराती हैं और 120 और 180 के कोण पर विक्षेपित हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट, इसने पाया कि
20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ही अल्फा कण ऐसी थी जो परमाणु के केंद्रीय भाग से टकराती है और उसी वेग से वापस उसी दिशा में लौट आती है। 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ही अल्फा कण ऐसी थी जो परमाणु के केंद्रीय भाग से टकराती हैं और वापस उसी वेग से उसी दिशा में लौट आती हैं। इस घटना को देखकर उसे इतना आश्चर्य हुआ कि मानो कोई 14 इंच मोटी तोप से निकला गोला। किसी पतले कागज से जाकर टकराकर वापस उसी वेग से आता है और तोप चलाने वाले को ही घायल कर देता है। इसी घटना को देखकर उसे इतना आश्चर्य हुआ कि मानो कि 14 इंच मोटी तोप से निकला गोला किसी पतले कागज से टकराता है और तोप चलाने वाले को ही घायल कर देता है। तो ये इसके तीन प्रेक्षण, इस प्रेक्षण के आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। पहला पॉइंट, उसने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खाली होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्पा कण परमाणु को भेजते हुए सीधे निकल जाते हैं। जिसे अधिकांश अल्पा कण भेजते हुए सीधे निकल जाते हैं और जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराकर चमक पैदा करते हैं। फिर इसने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म ऐसा स्थान होता है जिसमें समस्त परमाणु का द्रव्यमान और आवेश समाहित रहता है, उपस्थित रहता है। इस भाग को इसने नाभिक कहा। इसमें इस नाभिक की खोज कर दी। इसने क्या बताया कि परमाणु के बीचों बीच एक सूक्ष्म स्थान होता है जिसमें समस्त परमाणु का द्रव्यमान और आवेश केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक का, और नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन व निरावेशित कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसने बताया कि परमाणु में धनावेशित कण प्रोटॉन और निरावेशित उदासीन कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। दूसरा नाभिक और बाहर की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल। तो इसमें दो बल कार्य करते हैं, कौन कौन से? एक आकर्षण बल और दूसरा अभिकेंद्रीय बल। जिस प्रकार कोई बच्चा अपनी उंगली में पत्थर को बांधकर यूं घुमाता है तो पत्थर कभी ऊपर कभी नीचे चलता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या करता है? चक्कर लगाता है। जब चक्कर लगाता है तो इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दूसरा इलेक्ट्रॉन और बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल। उसने बताया जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो दोनों बलों का मान संतुलन होता है। फिर उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो उसके ऊर्जा के मान में लगातार कमी होती है।
जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा के मान में लगातार कमी होती है, जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान में कमी आएगी तो अंत में उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसकी व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए उसके परमाणु मॉडल को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब जो है अर्थात रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को नहीं समझा सका, उसको उसके बाद आया नील्स बोर। तो थर्ड पॉइंट था अपना नील्स बोर का, नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। देखो उसने परमाणु जो प्रतिरूप को समझाया, मॉडल दिए, तीन वैज्ञानिक थे। सबसे पहले जे.जे. थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा नील्स बोर। जे.जे. थॉमसन ने परमाणु की उदासीन प्रकृति के बारे में बताया, रदरफोर्ड ने जो है परमाणु में नाभिक की खोज की, और जो नील्स बोर है इसने परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताया। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में है तो देखिए इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर
हाँ, नील्स बोर ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताया। इसने अपने परमाणु प्रतिरूप को या परमाणु परिकल्पना को समझाने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण दिया। इसने अपने संपूर्ण थ्योरी को चुंबकीय क्वांटम सिद्धांत के आधार पर समझाया। इसने बताया कि परमाणु में दो भाग होते हैं। परमाणु की संरचना को दो भाग में बांट दिया, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ, और आंतरिक भाग में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो वृत्ताकार पक्ष में चक्कर लगाता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर बताया इसने कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसे कोष या कक्षक कहा। इसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसे कोष या कक्षक कहा। नाभिक की ओर से इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6 या KLMNOP आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं को नाभिक की ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 या KLMNOP आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं तथा इनकी ऊर्जाओं को E1, E2, E3, E4, E5 और E6 से व्यक्त करते हैं। इसने बताया फर्स्ट पॉइंट, बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, और आंतरिक भाग में जो है इसमें नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसे नाभिक की ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 या KLMNOP आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं तथा इनकी ऊर्जाओं को E1, E2, E3, E4, E5, E6 से व्यक्त करते हैं। इसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा कक्षक में चक्कर लगा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक ही निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसके ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणांक होता है तथा उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणांक होता है। यहाँ पर प्लांक एच बराबर क्या है, प्लांक नेतांक, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोश की संख्या, नंबर ऑफ कोश की संख्या, 2π ये वृत्त की परिधि है। फिर इसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उसकी ऊर्जा का क्या करता है, वो ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। इसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, उच्च से निम्न में आ रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, और जब निम्न से उच्च में जाएगा तो ये ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक, इसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में वृत्ताकार पक्ष में जब चक्कर लगाता है
तो इस कक्षाओं को कोश या कक्षक कहा, जिसे नाभिक की ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 या KLMNOP आदि अक्षरों से व्यक्त किया तथा इसकी ऊर्जा को E1, E2, E3, E4, E5, E6 से व्यक्त किया। इसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणांक होगा, जहाँ N नंबर ऑफ कोश की संख्या, H प्लैंक नेतांक, 2π वृत्त की परिधि है। फिर इसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और जब निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन को क्वांटा या बंडल कहा तथा उसने बताया कि इसका रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसमें जो स्पेक्ट्रम लाइनों के रूप में होता है, जिनके नाम इसने लाइमन, बामर इत्यादि नाम दिए। तो ये नील बोर का परमाणु प्रतिरूप है। तो हमने 4 परमाणु प्रतिरूप पढ़े, जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, ठीक है, 3 पढ़े थे।